तो देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी यहाँ बाहर धूप लग रही है, आगे जाके ठंडी बहुत है ना। और चलो पहले सलाम कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और राजीन ठीक 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 और हम रेडी हो चुके हैं। बहुत ज्यादा लेट हो गया, 8:30 बजे बोल रहे थे कल के नाश्ता हो जाएगा, तो अभी कितने बजे? 12 बजे। 12 बज गए, हमारा घर का ही टाइम अभी यहाँ पे हम चला रहे हैं। तो नहीं ऐसा नहीं है, दे देते हैं नाश्ता, तब नाश्ता करेंगे, फिर हमारी यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी में बैठ के हम जाएंगे, आधे तक ही जाएंगे, फिर वहाँ से कुछ बोलते हैं क्या है, यहाँ की लोकल टैक्सी, यहाँ की टैक्सी यहाँ पे चलती है। ये जो हमें लेने आए ना, वो टैक्सी नहीं चलेगी, ये रहेंगे साथ बट यहाँ पे नहीं वो चलेगी। ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ चलो चलो, हमारा नाश्ता ठंडा हो जाएगा, कल रोटी नहीं पापड़ हो गई थी उस तरह। तो देखो यहाँ पे हमें आलू का सालन और पराठा, और हम कर रहे हैं नाश्ता और चाय भी आ रही है। क्या आ रहा है? इडली, प्लेन परोठा, आलू परोठा, चाय, वो सब नाश्ते में सुबह यहाँ पे मिलता है, तो अच्छा है। और होटल भी बहुत अच्छी है, इसका प्रॉपर मुझे भी एड्रेस नहीं आ रहा, राजीन से पूछ के मैं इंशाल्लाह डाल दूंगी तू भी किसी को पूछ लेना है ना। चलो चलो, यहाँ पे राजीन की आमलेट आ चुकी है, यहाँ पे भी तो देखो हमने सबने क्या सब बोलती हूँ ना, हम दोनों ने नाश्ता भी कर लिया और नाश्ता भी यहाँ का बहुत अच्छा था, सच में अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम जा रहे हैं यहाँ पहलगाम में जो जगह है, बेताब वेली और दूसरी तो चंद्रयान वेली। हाँ देखो इसको सब याद है। और ठंडी बहुत ज्यादा है, अभी रास्ते में फोर व्हीलर में बैठ के सॉक्स वगैरह सब मैंने सब निकाल दिया यहाँ से, ये भी निकालूंगी, पेन तो लिया है शौक में बट बहुत है, तो हाथ में सॉक्स पहन लेती हूँ, ये भी पहन लेती हूँ, बोला भी नहीं जा रहे। अब हम जा रहे हैं, तो अब रहो साथ, तो आपको हम दिखाएंगे, मैं भी फर्स्ट बार देख रही हूँ, आप सबको भी मैं पहली बार दिखाऊंगी है ना, तो चलो अब रहो हमारे साथ। देखो ये कल बोतल हमने रखी थी ना इसमें, अब देखो कर तो बर्फ हो गई, पूरी बर्फ हो गई है, इतनी ठंडी थी रात को, एक गाड़ी में भी बर्फ हो गया। हाँ सुन रहे हो, बर्फ की दिख भी रहा है, सुन रहे हो क्या सबको? हाँ बहुत ठंडा भाई। हाँ तो दे अभी ये पानी दे दे, ये तो सब बर्फ हो गए देखो। ओहो अभी हमने वहाँ से होटल से निकले ही है, जस्ट ये बस रोड हम उतरे और यहाँ का इतना अच्छा, अभी सुबह 12 बजे भी इतना अच्छा लोकेशन आ रहा है। और ये पानी आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना अच्छा है, और यहाँ पे भी बर्फ हो गया है, जैसे पानी की बोतल बर्फ हो गई है ना, उस तरह से ये भी बर्फ हो चुका है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा और प्यारा लग रहा है। और यार क्यों मस्त छे यार, हाँ साचिन फुल बर्फ होत ना तो ओवर मस्त लागत, बहुत अच्छा है यहाँ का लोकेशन, ये पहाड़ तो कितने अच्छे लगते, बस ऐसा लगता है यहाँ पे बैठ के सिर्फ बैठे रहे और देखते रहे सुकून से। 7 दिन ऐसे निकाल दे। हाँ सात दिन कहीं पे नहीं जाना, 7 दिन ऐसे ही। और देखो मैं उठ उठ के हमारे मुंह कैसे हो गए, यहाँ पे सब जम जाता है यार। देखो यहाँ पे बर्फ कितना है, फाइनली इतना तो हमें देखने को मिल ही गया है माशाल्लाह, इससे भी ज़्यादा मिलेगा आगे। अभी तो हम यहाँ पे एक जगह है जो हमने सजेस्ट की थी, हम जिस होटल में रुके हैं ना वहाँ पे, कि यहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को मिल ही जाएगा। तो देखो अभी तो हम गाड़ी में है और पवन बाहर बहुत ज़्यादा है, फ़ोन भी मेरा पूरा हाथ पूरा हिल रहा है, तो आप देख सकते हो अभी मैं उतर के आपको दिखाऊंगी एक बार, ये पूरा बर्फ 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 बर्फ। तो फाइनली देखो हमारी कार वहाँ पे रुक गई है और हम यहाँ पे आ चुके हैं, और इसको ये पूरी कैंटीन है, यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर सकते हो, और देखो पीछे बर्फ दिख रहा है आपको। और इसका नाम क्या है, नाम है राजीन, नाम के क्या? चंदनवाड़ी जी हाँ। देखो ये हमारे साथ है जम्मू से, हमें सब घुमा रहे और बहुत अच्छे है, और यहाँ के ये श्रीनगर के, और यहाँ का ये सारा ड्राई फ्रूट है, वाओ मन हो रहा है सब खाने को लेंगे रिटर्न में। हाँ और देखो, और ये बर्फ देखो, इतनी बर्फ देखे भी बहुत अच्छा लग रहा है सच में।
देखो राजी इनसे रुका नहीं जा रहा, स्पीड से चल स्पीड से ऐसे बोल रहे हैं ये। वैसे तो बर्फ गिरती ना तो ये पूरा नीचे का भी पूरा भरा रहता है, अभी तो यहाँ यहाँ है। तब देखो हम जा रहे अभी, और ये रास्ता है, बहुत ज्यादा ही ठंडी लग रही है, बोला नहीं जा रहा यार। ये बैग तो देखो, ये भी वजन वाला, ब्लूबेरी वो सब है, अच्छा लगता है खाने में। और देखो, और वो बकरा देख रहे हो, उसका नाम मैंने आगे व्लॉग में, सबा इब्राहिम के व्लॉग में मैंने देखा था, आज मुझे भी फाइनली वो मिल गया है। जाती हूँ मैं उसके पास, वो किस तरह से जा रहा है देखो, बर्फ में, इतने बर्फ में भी किस तरह से जा रहा है वो। अरे चने गर्म गर्म चने आइए, मसाले वाले चने, चलो उसके पास जाते हैं। कश्मीरी कहवा, नाम क्या है फिर से बोलो तो। सलमान ना, सलमान, वाह भाई वाह, हमें भी फाइनली मिल गया ये सलमान। अरे वाह, ओ सलमान, कितना अच्छा है वो, सही सामने, बहुत अच्छा है। और मुझे ये बहुत सबा इब्राहिम का व्लॉग देखना था ना, तब से मुझे इसको मिलना था, आज फाइनली मैंने इससे मिल लिया। ये कितने बर्फ में कितने आराम से खड़ा है देखो। ओए सलमान देख तो सामने, भाई जल्दी करके वहां निकल जाना। हाँ हाँ, दो मिनट। ऐ ना टूटे, तू आज उभी रे, ये बर्फ को देखो। गुजरात वालों के लिए बहुत है, जहाँ गर्मियाँ है ना वहाँ उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत है ना। ये हमारे भाई साथ में थे ना, उसको कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ उसको तो आदत हो गई ना, बस चलो। तो देखो हम यहाँ पे आ चुके हैं बेताब वैली, तो आप देखो में बहुत उधर वो बहुत होंगे, सोनमर्ग में, सोनमर्ग में वो अच्छा होगा ना, सोनमर्ग में नहीं चढ़ना।
हम आ चुके हैं बेताब वैली। मुझे नाम यहाँ के अभी प्रॉपर नहीं आ रहे, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो अच्छी अच्छी तरह से आ जाएंगे, फिर मैं प्रॉपर आपको गाइड भी कर सकूँगी इसमें व्लॉग के थ्रू। और देखो ये सामने से किस तरह से आ रहे, देखो इन लोगों को इस तरह से भी घुमाते हैं यहाँ पे अंदर। और यहाँ पे भी बर्फ होगा ना? नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होता ही नहीं है। होता है भाई, इस साल नहीं, इस साल ही नहीं है ना। हाँ उस साल का ही पूछ रही हूँ। और देखो पीछे कितना अच्छा आ रहा है सब सीन। यहाँ पे कैंटीन है। कुछ बोलना चाहो कि मिस्टर राजीन? ऑक्सीजन नहीं आ रहा, सच बात है, यहाँ पे सांस नहीं ले जा रही। अभी हम जहाँ वहाँ पे थे ना, चंद्रवेली ना, हाँ वहाँ पे बहुत बर्फ था, उसके हिसाब से सांस नहीं आ पा रही थी। एक दो बार तो मैं स्लीप हो गई। मेरे हाथ में दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो पूरा। और ये मेरी अम्मी का जैकेट मुझे काम आ गया, उसके हिसाब से मुझे पीछे से नहीं लगा। आई लव कश्मीर, जन्नत है भाई जन्नत। देखो यहाँ पे नाम भी लिख दे रहे अभी इसमें, लिखवाना है राजीन। वो सब पापा ने मना किया है, हमारे ससुर जी ने पूरे घर में कहीं पे है को बोलते हैं ना, खिल्ली को क्या बोलते हैं हिंदी में, वो मत लगाना तो ये नहीं चलेगा। मजाक कर रही हूँ। यहाँ के पेड़ बहुत अच्छे, यहाँ पे फोटो अच्छी आते हैं। कश्मीरी शॉल देखो, चलो चलो आगे। यहाँ पे सब किस तरह से स्पीड जा रहे हैं। राजीन को सलमान ही नाम रखेंगे, राजीन को छोटा सलमान नहीं था, अभी मुझे दिख गया था, चाहते वक्त ही मुझे दिख गया था, तो वो राजीन को बहुत अच्छा लग गया है, मुझे तो अच्छा लगता है। तो अब बोल रहे भैया को कि हमें ले जाना है गुजरात यहाँ से, तो प्राइस वगैरह सब पूछ रहा है कि सलमान की क्या प्राइस होगी। बट उसमें दो है ना, अलग अलग रहते, एक बड़े भी होते और एक छोटे ही रहते, तो वो जो छोटा था ना वो बहुत अच्छा था, है ना राजीन? अच्छा, अब तू बोल। अच्छा था, मेरे से सांस नहीं ले जा रही। सलमान बहुत अच्छा और बहुत प्यारा था, सब कुछ समझ रहा था। हाँ डर रहा था उसके मालिक से, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ऊपर छुई बधाई, तो पर ये पूरा ग्रीन होता है, ग्रीन इस तरह से भैया बोल रहे हैं कि तब ये अच्छा लगता है। और सच बात है, अभी ठंडी का माहौल है तो उसके हिसाब से सब झाड़ इस तरह से, पौधे इस तरह से हो गए, सब ट्री की हालत देखो, ये इतने प्यारे अभी लग रहे तो ग्रीन में कैसे लग रहे होंगे। और सामने सब वो पेन के फोटो क्लिक कराने के लिए रखा गया है, वो पॉइंट है। देखो ये पानी कितना अच्छा लग रहा है, और ये बर्फ़ होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। और वहाँ सामने अब घोड़े देख रहे हो, इस बिठा के हमें वहाँ पे अब ऊपर तक नहीं आ रहा है ना सीन, हाँ वहाँ तक ले जाते, बट हम नहीं गए, नहीं जाना हमें। हम आगे भी जाएंगे ना जब श्रीनगर वो उस साइड भी होते हैं ना, श्रीनगर ही ना, सोनमर्ग, हाँ तो वहाँ पे इंशाल्लाह देखेंगे। आज नहीं वहाँ पे बैठना, वहाँ पे टाइम भी नहीं है, और राजीन बोल रहा है इतना कुछ है नहीं, ये घुमा हुआ है इसलिए। और ये तो प्रॉपर ग्रीन होता ना तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला पार्क तो, बट अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जब आओ तो आप सब यहाँ पे ले सकते हो ये घोड़े की राइड वगैरह सब, है ना राजीन? फोटो देखो ये सब फोटो खिंचवाने वाले, नहीं नहीं थैंक यू। तो चलो जाते आगे, घूमने का तो मजा आ ही रहा है वैसे तो। देखो मैं ट्राई कर रही हूँ, कैसी लग रही हूँ आप बताना, मुझे तो नहीं दिख रहा कैसी लग रही है, कैसी लग रही है? एक नंबर कश्मीरी ऐसे मत बोल दे, एक नंबर, सबको सूट नहीं करता, ऐसा नहीं होता सबको करे। ये मेरे झुमके उतार देती हूँ यार, देखा था ना।
पैसे भी मैं नहीं, वो ये लूज हो रहा है। नहीं नहीं देखो राजदीन को नहीं पहनना, तो फिर भी मैं उसको पहना रही हूँ कि एक फोटो तो यहाँ का खींचना चाहिए ना मेरे साथ। एक मिनट रुको, ये बच्चा लगेगा पहले। देखो इस तरह से शादी में रेडी होते हैं यहाँ पे। मैंने पूछा कि यहाँ के लोग पहनते, जी हाँ बोलते। वाह राजीन वाह, प्योर कश्मीरी हो। राजीन को मूड ही नहीं है पहनने का, फिर भी मैं उसको एक बार तो मेरे साथ फोटो खिंचवाऊंगी। वाह ब्लैक ब्लैक। टोपी है ना वो निकाल दी कि मैं अच्छी नहीं लग रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं। देखो मुझे भी ये रेड वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ का पोशाक है तो है, शादियों में इस तरह से रेडी होते हैं। तो आप भी जरूर बताना कि हम दोनों को ये कैसा लग रहा है। फोटो वोटो खिंचवा लिए, अब हम जा रहे हैं ऊपर यहाँ से वहाँ पे पॉइंट पे। नदी बरावत की बर्फ पानी इतना थी। हाँ यहाँ पे घोड़े चलते हैं पानी में, यहाँ पे पानी नहीं है अभी, वहाँ पे आगे था। और यहाँ से जाते हैं, वो आप देख रहे हो ना सामने लिखा हुआ है बेताब वैली, वो पॉइंट है फोटोशूट का। तो जब भी कोई यहाँ पे आओ तो यहाँ पे खिंचवाना, तो पता चले राजीन बोल रहा है कि यहाँ पे हम आए थे। तो चलो वहाँ पे जाते हैं, फोटो एक खिंचवा लेते हैं फिर। बस चलो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, और बहुत अच्छा था। और बर्फ भी आपको दिख रहा है ना, बर्फ है वैसे तो, है ना। मुँह सबके लाल लाल हो गए। अब जाते हैं बाहर, अच्छा था ये भी। मेरे बाल बहुत खराब हो चुके हैं। सबके मेरे भी बैठ ही नहीं रहे, मेरे बाल खड़े हो जा रहे हैं बर्फ के हिसाब से। और वहाँ पे हम पहले गए थे ना, वहाँ पे तो रिक्स बोलते ना, बर्फ ही जम गया था मेरे बाल। मैंने ऐसे किया ना तो सारा बर्फ निकला। चलो गाड़ी में बैठते हैं, देखते कहाँ जा रहे। देखो निकल ही नहीं रहा ये बर्फ, हाथ में से निकल ही नहीं रहा। देखो ये ऊपर इतना टन 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 लेके जा रहे थे, इसमें यही गाड़ी चलती है। और अभी हमारी वो वाली फोर व्हीलर आप देख सकते हो निकल रही है, तो उसमें हम बैठेंगे। फिर देखते आगे, पहले होटल पे जाते हैं कि नहीं, फिर हमें शॉपिंग पे पूरा जाना है। तब देखते आगे क्या करते हैं, कंफर्म नहीं किया। तभी इसमें से हम उतर के यहाँ से ही बैठ के हम गए थे दो जगह पे, और अभी हम अपनी गाड़ी में बैठ के अपनी फोर व्हील में। तो चलो क्या 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 नहीं हिंदी में बोल। हाँ उसने मेरे फोटो अच्छे नहीं क्लिक किए, और मैंने तो इतने अच्छे किए। मैं कयूम को भी बोलना चाहती हूँ, कयूम मैं तेरे जैसे सीख गई मेरे भाई, अच्छे फोटो क्लिक करके दिए इसको मैंने, मेरे ही नहीं आए यार प्रॉपर अच्छे। कोई बात नहीं, अब हम आ चुके हैं, हम कहीं पे नहीं गए होटल वगैरह पे, हम यहाँ से सीधा मार्केट पे आए। तो यहाँ की आपको मार्केट दिखाती हूँ, चलो। तो ये पूरी मार्केट है, यहाँ पे आपको सारी शॉप दिखेगी। आउट ऑफ कंट्री आया है। अच्छा कैसा लग रहा है तुझे? आउट ऑफ कंट्री आए हैं, वाह भाई वाह। घर कितने अच्छे हैं यहाँ के, है ना। हाँ सरस लगे छे, आई नो माहौल बहुत मस्त है, जो सामने पहाड़ के मस्त लगे। आपको एक बात बताती हूँ मैं,
अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, नए नए, हम दोनों ने नए नए पहने हैं। हमारे पास कितने सारे, शादी हुई आप सबको तो पता ही होगा, इसका ये जैकेट है ना वो पुराना है। नहीं नहीं, 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 नहीं लेने जा रहा हूँ। तो है ना, सारे सारी जहाँ पे ठंडी थी, अभी हम फर्स्ट जगह पे गए वहाँ पे इतनी ठंडी थी, वहाँ पे इसने उतार के फोटो खिंचवाया है। तो किसी को तो ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पे कश्मीर में ठंडी है ही नहीं, बट नहीं, यहाँ पे तो दोपहर के अभी 2 बजे, तीन चार बज गए। देखो पीछे हमारे माहौल देखो, तो इसको ये पुराना पहना हुआ है ना, मेरे हाथ में बैग नहीं रह रहा, देखो अच्छे से। तो सबको तो ये ऐसा लग रहा है कि इसने नए कपड़े पहने ही नहीं है, और इस तरह से लग रहा है। अब मार्केट में पहले वो ढूंढ रहा है यहाँ पे जैकेट, कि यहाँ से मैं पहले ले लेता हूँ तो मेरे अच्छे लगे। तो चलो, और धूप तो है नहीं, मैं चश्मे क्या लगा के बैठी हूँ। तुझे चाहिए वैसे मिल जाएगा बफल में, किसमें बफल, अच्छा बफल में, देखो इसको नाम भी पता है। देखो राजीन किस तरह से शॉपिंग में पहले अपनी शॉपिंग कर रहा है, देखो देख भी नहीं रहा पीछे मुझे। मजाक कर रही हूँ। शॉपिंग राजीन ने ही चालू कर दी है, लेके मुझे आया कुमाने और पहले उसने की स्टार्ट। देखो आप सब बोलना ये बात सही है, क्या क्या बोला, सही है, तू खुद शॉपिंग कर वो सही है। वाह वाह, देखो वो सामने वाले को थका देगा आज। छोटा चाहिए, छोटा है इसमें। नहीं नहीं छोटा नहीं, मेरे को बफल ही चाहिए यार। देखो यहाँ के कुत्ते भी कितने मोटे ताज़ा है, यहाँ के घोड़े, यहाँ की कैट्स सब इतने मोटे मोटे ताज़ा है, बकरे बोला। तो देखो राजीन यहाँ पे बिस्किट भी लाया है इन लोगों के लिए, कब से मेरे पास आ रहे, तो बिस्मिल्लाह बोल के दो बोला। और देखो ये सामने है ना, वो भी व्लॉग ही बनाते हैं क्या है? ओला ने थोड़ा दे ये एक दूसरे लड़ रहे हो, ये ब्लैक वाला तो बहुत तेज है, जल्दी जल्दी खा ले भाई तू भी, ये वो वहां से आए तब तक। अच्छा है वो भी स्टॉल, वो भी बढ़िया था कलर पहले आपने दिखाया, वो भी क्या प्राइस है इसकी भी? वो भी अच्छा कलर। देखो यहाँ की स्टॉल पहलगाम की, उसकी क्या प्राइस है उसकी? अच्छा भी कितने छोटे छोटे लेके आए बता दो राजी। अच्छे तो देखो यहाँ पे हमारी आ चुकी है गर्मा गर्म मैगी, और इसको फटाफट से खाते हैं, राजीन बोल रहा है ये भी हो जाएगी ठंडी की। तो देखो यहाँ पे गर्मा गर्म मैगी, धुआं भी निकल रहा है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना। तो चलो इसको खाते बिस्मिल्लाह बोल के, और यहाँ पे आके मैगी तो जरूर खाना, राजीन आगे का बोलेगा। फेमस है यहाँ पे आके, सब लोग मैगी खाते हैं। जी हाँ, मैगी खा के फिर हम अंदर आए बैठने के लिए। अभी इसने मंगाया है रोटी, और स्पेशल यहाँ की फेमस है रोटी और चाय, तो चलो वो टेस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ की ये फेमस रोटी है और उसके साथ चाय, तो चलो अब हम करते हैं टेस्ट, पहले राजीन करेगा फिर बताएगा कैसी है।
यहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा है कश्मीर का, है कि नहीं? सब कुछ अच्छा है। रात को भी हमने होटल में, अपनी होटल में खाया था, जैसा घर जैसा ही लग रहा था। अच्छी है, अच्छी है। चल अब मैं टेस्ट करती हूँ। बहुत अच्छी है। चाय में गरम नहीं पीती, बट यहाँ पे मेरी गरम चाय चली जाती है अभी तो। यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी है रोटी है। आप जरूर यहाँ पे बेलगाम पे आओ ना। खाला खाला पूरा नाम में बाहर निकल गया, आपको दिखाती हूँ। स्टॉल स्टॉल ना, खाला टी स्टॉल, खाला नाम फेमस है यहाँ का। तो मैं चलो आपको बाहर निकल के दिखाती हूँ। तो फिर खा लेती हूँ। सच में बहुत अच्छा है। तो देखो ये जो रोटी है ना, वो सब ने अर्तुरुल तो देखा ही है। तो अर्तुरुल गाजी में जो वो खाते हैं ना इतनी बड़ी बड़ी रोटी, ये उस टाइप से, ये वो है ना। क्या बोल रहे हो? देखो तो यहाँ पे भाई बैठे ना, बोल रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी रोटी होती है और ये मैदे से बनती है, वो भी तंदूर में बनती है। तो ये घर पे ही बनाते हैं कि नहीं यहाँ के लोग बनाते हैं? ये रोटी ना अलग बनती है, इसके लिए एक पर्टिकुलर बंदा होता है। तो हम सब नहीं बना सकते? नहीं नहीं, सब नहीं बना सकते हम, घर पे इसको नहीं बना सकते। नहीं बना सकते? वो पराठा टाइप और बना सकते हैं। अच्छा, ये सब नहीं बना सकते? बढ़िया है, बढ़िया। ये हमारे घर पे है ना, हम पराठा जैसे बनाते हैं ना वो बना सकते हैं, बट यहाँ के लोग भी ये घर पे नहीं बना सकते। इसके लिए प्रॉपर एक आदमी होता है ना, वही बनाते हैं। और अर्तुरुल तो बहुत मोटी मोटी होती है, ये थोड़ी छोटी है, पर उस टाइप से हमारे गुजरात में तो ऐसी नहीं होती, बट ये बहुत अच्छी है। तो चलो बिस्मिल्ला बोल के खाते। ये लड़का सोच रहा है कि तू तो पतली निकल गई, मैं इसमें से नहीं आऊंगा। चल आ जा। गुजराती में बोल रहा है, जोक हम नहीं लूंगा। फाइनली देखो वहां आ गया। और यहाँ पे देखो ये कितने अच्छे अच्छे मिल रहे, बट यहाँ से भी बेटर वहाँ पे बोलते हैं श्रीनगर में होगा। और यहाँ से मुझे थोड़ा फ्रूट लेना है, तो चलो मैं लेती हूँ। यहाँ का फ्रूट बहुत अच्छा होता है। देखो यहाँ की, ये देखो आलू को देखो एक बार, रेड रेड है। यहाँ पे सब इंसान भी रेड रेड, सब वेजिटेबल भी रेड रेड। तो देखो ये मार्केट है यहाँ की, हम दूसरी जगह पे आ गए वहाँ से पूरा राउंड लेके। और देखो यहाँ पे मिल रहा है, तो बॉयज का ही गर्ल्स के तो है ही नहीं। ये बर्फ में चल सकते? देखो यहाँ पे इस तरह से सब घूमते हैं घोड़े पे, बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ का माहौल ही बहुत अच्छा है, सुकून मिलता है। सच में इसको इसीलिए जन्नत कहा जाता है। तो देखो ये इस मार्केट को जामिया मार्केट बोलते हैं, और ये जामिया मस्जिद है। और ये मस्जिद भी बहुत अंदर से अच्छी माशाल्लाह है। अंदर तो हम नहीं जा सकते, पर यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ की लाइट्स सब चालू हो गई है, तो बहुत अच्छा आ रहा है लोकेशन। और राजीन इसको क्या बोल रहे हैं, ये कौन कैसा लग रहा है? स्विट्जरलैंड। जी हाँ, तो सच में अभी मुझे ये लाइट सब चालू हुए ना, तो वैसा ही आ रहा है। बट नहीं, कश्मीर तो कश्मीर ही है, तो अच्छा है। तो चलो अब आगे जाते हैं। गाड़ी के पास जाना पड़ेगा कि गाड़ी वाले आगे चक्कर मारते हैं? अभी भी चक्कर लगाना है। ये मस्जिद है जी, हाँ वो तो मैंने पहले ही बताई कि ये मस्जिद है और बहुत अच्छी है। और ये सब अभी तो टाइम है ना, वरना ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे सब पौधे वैसे हो चुके हैं देखो, ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। और पहाड़ तो आपको दिख ही नहीं रहेंगे पीछे से। यहाँ पे भी शॉप खुली हुई है, 6 बजे सब बंद हो जाती है। पहाड़ तो पूरा ऐसे ब्लर ब्लर हो गया है वैसे ही, और करना नहीं पड़ रहा फोन में। यहाँ से नॉर्मल भी हम घूमे ना ऐसे, तो सुकून मिलता है ना। खाना भी नहीं है। केले भी लिए हैं, तो अभी मैं रास्ते में खा रहे। अभी भी आगे बहुत
बड़ी बाजार है, जाते चलते चलते फिर हमारे जो ड्राइवर है ना वो आ जाएंगे, तो फिर हम जाएंगे होटल पे, फिर देखते हैं आगे। तो चलो अभी तक तो यहीं तक। ये भी है कलर, इसमें वो भी है, ये सब कलर ही है ना। देखो ये मार्केट में है, ये आप सब देखो, और यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी है, और ये डिज़ाइन देख सकते हो इसकी, और ये है मिरर, तो देखो इस तरह से देख दिख रही हूँ मैं इसमें तो इस तरह से देखो कैसी लग रही, पकड़ के भी अच्छी लग रही, सारे इसमें कलर है, किस तरह से ये पूरी बोलते ना हमारे गुजराती में घड़तर है ना, रजवाड़ी टाइप, ये बंद भी होता होगा, फोल्ड होता है ना, फोल्ड होता है बट हमको पता नहीं कैसे होता है, कैसे होगा ना, यहाँ से इस तरह से मिलते हैं, वैसे तो वहाँ नहीं मिलते बट ये है ना जो इस टाइप से नहीं मिलते गुजरात में, वैसे ऐसे तो लग रहे हैं। जमींदार बनाता है, जमींदार घर में बनाता है, ये भी घर में बनता है, दूर दूर इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दूर दूर दूर, और इसको ये शीशा बीड़, ये बनाते हैं इस तरह से, ये सब हैंडमेड है, सारा हैंडमेड है, ये हाथों से बना हुआ है, अच्छा है। सब सारी चीजें अच्छी है और बहुत अच्छा है। देखो हम आ चुके हैं अपने होटल पे, और रात का जो लिया था ना मैंने शूट किया था तो नहीं दिख रहा था पूरा, तो मैंने सोचा अभी सुबह सुबह दिखा देती हूँ कि हमारे पहलगाम में ये वाला होटल है, द रिवर एज, और होटल के रूम भी बहुत अच्छे और होटल भी बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे वैसे तो बाहर भी हमें जितने मिल रहे हैं ना वो भी सब बहुत अच्छे, घूम फिर के हम थक गए और आज सच में बहुत मज़ा आया, और रास्ते में चार्जिंग की पिन लेते आए, मेरा ओरिजिनल आईफोन का भी वायरलेस इसमें नहीं चल रहा, ये होते हैं नसीब, कोई बात नहीं, चाहते हैं रूम में से भी नीचे का, ये कितना अच्छा लग रहा है ना, हम वहाँ पे बैठते खाने के लिए यहाँ से बाहर निकल, नीचे भी रूम है ऊपर भी सब रूम है, और लकड़े की है ना यहाँ से भी ऊपर है रूम, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब लकड़े का ये अच्छा लग रहा है, आप सब भी बताना कैसा लग रहा है। तो देखो मैंने अपने रूम की आपको ये खिड़की बोलते हैं वो नहीं दिखाई थी, तो अब दिखाती हूँ, है ना। हाँ। कैसी लग रही है गाजी? बहुत अच्छी। सामने पहाड़ है बट इसमें कैमरे में आए तो दिखा दे, आ रहा है पहाड़? हाँ। और यहाँ पे भी पूरी बर्फ ही जमी होती है। हाँ। तो यहाँ से लुक बहुत अच्छा आता है ना, आता है ना, तेरा मुंह नहीं बहुत, दिखे बहुत, इसमें, बहुत, इसमें बहुत, जबान चलानी पड़ती बहुत, है बहुत अच्छा आता है। तो ये है यहाँ की खिड़की है ना? देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ राजीन को सब बोलेंगे, राजीन को तो हमने देखा है, ये हमारा वॉशरूम है, अच्छा भी है तो इसको यहाँ पे ये वाली, वहां पे लाइट हो रही है राजीन, बाजू में देख एक बार तो दबा, नीचे स्विच है, हाँ वाह भाई वाह। तो हमने फ्रूट लिया था ना तो वो बोल रहे एक बार धो लेते, तो सही बात है, तो देखो बोल रहे अच्छे पानी से धो लेता, और उसने पहने सॉक्स, तो बोल रहा है कि यहाँ के जो चंपल है ना वॉशरूम के वो मुझे नहीं होंगे, फिर भी मैंने बोला कि नहीं तू जा तू ही धो तो धो के मुझे दे रहा है, चलो थैंक यू, अब आप अपना काम करो, अपने नेल्स कट करने ना कर लो। देखो इसको बाथरूम में एडजस्ट नहीं है मोटा तगड़ा मुनी माशाल्लाह, वो बाथरूम में खड़े रह के नहीं कट कर सकता था तो अभी कर रहा है, और हम थोड़े देर के लिए खाएंगे फ्रूट्स खा के आराम करेंगे, है ना, घंटा दो घंटा, फिर बस फिर से हम 7 बजे जाना है, रात का थोड़ा लोकेशन देखना है यहाँ का, तो हमारे जो यहाँ के है ना आदमी वो हमको दिखाएंगे, थोड़ी देर आराम करते हैं फ्रेश होते हैं फिर आगे। तो देखो आप सबको ये चीज़ दिखानी थी, ये जो आप यहाँ पे तो रिवील एज देख रहे हो ना, ये हमारी होटल है, मैंने आपको आगे दिखाई, तो देख लो इसका सीन, इस तरह से बर्फ इस यहाँ पे होता है बट अभी नहीं है तो नसीब हमारे, और वैसे भी बहुत अच्छा ठंडी है वो, और हमारे लिए बहुत है।
तो आप सब ने देखा यहाँ की अजान भी माशाल्लाह उर्दू में होती है ना, उर्दू ना, उर्दू में ही होती है। और यहाँ की दो लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज भी अलग है और उर्दू भी अलग है, बट अजान उर्दू में होती है। तो बहुत माशाल्लाह, सुबह की भी मैंने ली थी बट मैं नींद में थी तब, 6 और 2 बजे तब अजान होती है सुबह की, फजर की, बट मैं थोड़ी नींद में थी तो मैंने लिया था सोते सोते ऐसे फ़ोन रख के, अजान बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर यहाँ की ठंडी इतनी थी ना कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, मैं खड़ी नहीं हो सकती थी बेड में से, इतनी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। रात को तो माइनस में होती है ना, माइनस में होती है ठंडी। तो अभी अजान मैंने आपको सुना है कि देखो बहुत माशाल्लाह और उर्दू में लग भी रही है। जी हाँ, ऐसे हमको समझ में आ ही जाता है, जिसको उर्दू ना पढ़े हो ना उसको भी समझ में आ जाता है कि अपनी अजान है, उसमें जो शब्द होते हैं ना जो हमारे वहाँ पर पढ़ते गुजरात में अजान में बोलते उस तरह से ही लगती है, बट उर्दू में बहुत अच्छी लग रही है इसलिए मैंने सुनाई आप सबको। देखो हम यहाँ पे चक्कर लगाने निकले अभी रात के टाइम पे, और यहाँ पे रात के 6 बजे के बाद सब बंद हो जाता है, कोई कोई इस तरह से खुली रहती है वो भी 9 बजे तक बस, फिर ये ठंडी के हिसाब से बंद हो जाता है, वरना तो खुला रहता है ना। हाँ उस तरह से इतनी ठंड लग रही है ना कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे, रात दिन तो बस बीच बीच में ये सब देखने रुक जाता है। देखो अच्छी अच्छी है सारी चीज़ें, पुरानी नई उस तरह से है ना। तो बस चलो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, राजीन करेगा आज का व्लॉग, कल अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अल्लाह हाफिज़। इसको देख के सब एक एक कमेंट कर देना। आज का व्लॉग बस यही तक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अल्लाह हाफिज़। और ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, मेरी खुशी के लिए भी और आप सबकी खुशी के लिए भी, कि मैं तो फर्स्ट बार हूँ तभी मुझे प्रॉपर नाम नहीं आ रहे किसी के बोलने, और बस मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ना तो फर्स्ट बार सब देखती हूँ, तो इसके हिसाब से अच्छा अच्छी रीत से ट्रीट नहीं कर पाती। मम्मा कहीं के साथ आऊँगी ना, फैमिली के साथ, कभी मेरे ससुराल के साथ, तो भी इंशाल्लाह सब मुझे याद रह जाएगा। अब तो आना जाना रहेगा हमारा, तो अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी। और ये व्लॉग भी कैसा लगा ज़रूर बताना, और ठंडी बहुत है तो मेरे लिए बहुत है, तो मैं वैसे भी जामनगर में भी मुझे बहुत पड़ती है, पैर में सॉक्स तो घर में भी पहन के रखती हूँ, तो ये तो मुझे बहुत लग रही है, तो बस इसमें फ़ोन भी नहीं निकाल, ये देखो एक हाथ के निकाल के अभी मैं कर रही हूँ शूट, तो उस तरह से। तो प्लीज़ फिर भी बताना कि आप सबको व्लॉग कैसा लगा, तो अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।